बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। आप हमारे चेहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे असल कहानी का रात को पता चला था। कल आप लोग काफ़ी कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भाई नसरुल्ला की वीडियोज़ नहीं मिल रही, उनका चैनल जो है वो नहीं मिल रहा। तो जिस तरह उस चैनल ने ग्रो किया था, पता नहीं कैसी नज़र लगी है या क्या, मेरे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो जितनी तेज़ी से वो ग्रो हुआ था, उतनी तेज़ी से ही उसका नामो निशान हमें नहीं मिल रहा। चैनल भाई नसरुल्ला का हो गया हैक, और हैक कुछ इस तरह हुआ कि स्टेप बाय स्टेप हम भाईजान को चीज़ें बता रहे थे कि एडिटिंग किस तरह करनी है, वीडियो अपलोडिंग किस तरह करनी है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये ग्रो हुआ था, उतनी तेज़ी से पता नहीं किसकी नज़र में ये आया है, और किसी ने मेल सेंड किया है। तो भाई नसरुल्ला ने वो मेल खोला तो बस वहाँ से कार्रवाई पड़ गई। तो वो चैनल हो गया है हैक, और उसमें जो वीडियोस थी वो भी सारी डिलीट कर दी गई। और कल अभी सुबह तक उसका जो है ना वो पिक्चर मिल रही थी भाई नसरुल्ला के चैनल की। भाई नसरुल्ला का चैनल मतलब उस पर वीडियोस नहीं मिल रही थी, लेकिन वो सर्च में आता था। लेकिन अभी तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं, अभी उसका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। तो इतनी जल्दी एक चैनल ग्रो हुआ और इतनी जल्दी ही उसका सफाया हो गया। और जो यूट्यूबर्स मेरे बहन भाई हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ चैनल अगर डिलीट हो जाए या हैक हो जाए तो उसका कितना ज़्यादा सदमा होता है। ये एक बड़ी सैड सी न्यूज़ है, लेकिन हिम्मत हारने वाले हम भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का जितना प्यार, भरपूर सपोर्ट और अल्लाह ताला की रहमत करम फजल साथ रहा, तो इंशाल्लाह हमने फिर इनके जो नए चैनल हमने बनाया है, जी हाँ, हमने एक इनका नया चैनल अभी बनाया है नसरुल्ला वीर के नाम से। तो उस चैनल की निशानी ये है कि भाई नसरुल्ला और बाजी और साथ में इनके दोनों बच्चे अदन उमार, उन चारों की मतलब जो पिक्चर है वो आपको चैनल आर्ट पे भी मिलेगी, और जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी वही सिमिलर ही है। तो आप उस चैनल पे जाएं, उस चैनल का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा पैगाम था, सैड न्यूज़ थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। और उम्मीद है कि जिस तरह आपने हमें पहले प्यार दिया, हमको प्यार करते हैं, इसी तरह नसरुल्ला भाई का ये जो सदमा है, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे एक अच्छे हालात की तरफ आने की तरफ, वो मतलब गामजन थे आपकी सपोर्ट और हौसला अफजाई की बदौलत, वो इंशाल्लाह एक बार फिर उन्हें वही चाहत, वही प्यार मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि उनके जो चैनल की ग्रोथ है वो पहले से भी अच्छी होगी। तो मैंने पता नहीं लग गया कि हुआ कि नहीं, मैं तो जरा ना वो मोबाइल देखता सी, कोई समझ ही नहीं लगी है कि किस तरह जरा ना सारा कुछ हो गया। तो मैं तो इन्होंने भाई ने दिखाया, फयाज ने, फयाज भाई ने जरा ना उन्हें क्या भी है चैनल जरा पे हैक हो गया, जिस तरह बहन भाई ने पहले सानू चाहत प्यार मोहब्बत दी सी उस चैनल ते दोबारा भी तुसी दोगे। जो भी हालात से वो असं ऑलरेडी थोड़ा दसे हुए हैं क्यों असं भाई उन्होंने चैनल बना के दिता तो की वजूहत, वो सारा तुम जानते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह पहले चाहत प्यार मोहब्बत दिया था आप भी वैसा ही देंगे। तो बस ये बताना था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि भाई नसरुल्ला के चैनल हैक हुआ है या डिलीट हो गया क्या हुआ। तो वाकई चैनल हैक हुआ था, तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भाई नसरुल्ला की भी कोई हाल नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा कल से परेशान हैं।
तो इन्होंने तो खाना भी नहीं खाया, तो अब फिर हम भाई अली के पास आए तो न्यू चैनल बनाया है, फिर यही डिसाइड हुआ कि चैनल न्यू बना लेते हैं। तो चैनल न्यू बनाया है तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह पहले चाहत प्यार मोहब्बत दिया था अब भी वैसा ही देंगे। और इस उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं कि आप भाई नसरुल्ला के चैनल को पहले से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार देंगे, तो हमें भी इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमानी।